बाबू यहाँ पर लेटा हुआ और बाबू का गिफ्ट लेते आई है जी, जो कि मुझे और जिया दोनों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। और जिया ने स्पेशली इसका डिमांड किया हुआ था। जिया मुझे जो है ठग करके ले गई थी ज्वेलरी के दुकान में। मुझे मालूम नहीं था कि जिया का ये सब प्लान है खरीदने। अभी आपको दिखाते हैं जिया ने क्या मंगवाया है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं जी रात के 9:30 और हमारा जो है पेट पूजा हो गया है। अब बारी है सोने की। अभी शुक्र है कि बाबू सो रहा है और आज पूरी दिन जो है जगा रहा है। बहुत कोशिश किया हम लोगों ने सुलाने का, लेकिन आज नहीं सोया। थोड़ी अभी करवट सोया हुआ है। सोचता रहे कि सरसों का तकिया इसके सर के नीचे अभी डाल दे, लेकिन अभी उठने का इसका डर है। कभी ये उठ जाएगा, परेशान हुआ है, फिर उठेगा तो फिर परेशान होगा। हाँ, तो इसलिए अभी इसको सोने दे रहे हैं। रात के समय में जो है सरसों का तकिया इसके सर के नीचे डाल देंगे। उठ गए जी सुबह सुबह। बाबू भी चला गया है नीति अपनी दादी के पास। सुबह सुबह उठ करके आराम से मालिश करवाया। उसका जो मालिश होते समय जो है हमें काफी डर लगता है कि रोने न लग जाए, लेकिन आज जो है उससे लगातार बात करते रहे मालिश करते वक्त, तो वह जो है नहीं रोया। उसके बाद चला गया है नीचे और अभी हुई है बारिश खूब जोरदार। बाहर का माहौल देख सके हैं जी, एकदम हरा भरा हो गया है माहौल क्योंकि बारिश हुई है अच्छी खासी। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बिनोमो के बारे में जी। घर बैठे ही आपका कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए तो कितना अच्छा होता है, तो वही ऐप है जी बिनोमो। बिनोमो के जरिए आप जो है बैठे एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। यह जो ऐप है यह ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों में अवेलेबल है। इस ऐप के जरिए आप 1500 रुपए डेली और 30,000 रुपए मंथली तक अर्न कर सकते हैं। इसमें आपको करना यह होता है कि इसमें आपको फोरकास्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। जैसे कि मैं यहाँ पर 25 करके फोरकास्ट कर रहा हूँ कि मेरा ग्राफ जो है ऊपर जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए और ये देखिए ग्राफ ऊपर चला गया तो मेरा फोरकास्ट सही हो गया। इसमें खास बात यह है कि आप यहाँ पर 350 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपका जो अर्निंग अमाउंट है आप उसे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में या पेटीएम के जरिए इजिली विड्रॉ कर सकते हैं। तो जी मैंने ऐप का लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप हमारे लिंक से ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको 62,000 रुपए डेमो अकाउंट में मिल जाएंगे, जिससे आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो है ध्यान से, क्योंकि कभी कभी आपको लॉस भी हो सकता है। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपका जो फर्स्ट डिपॉजिट है वो डबल हो जाएगा, यानी कि 400 से 800। रोजी देरी किस बात की, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जाकर के जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और घर बैठे कुछ एक्स्ट्रा इनकम कीजिए। इंडिया में ऑलरेडी 2 मिलियन बिनोमिस्ट है, आप भी उनमें से एक है जी। अभी जो है सो करके उठ गई है। सुबह तुम भी अब सो जाओ, थोड़ी देर मौका मिला है सोने। वैसे हमको रात में मेरा बाबू परेशान नहीं किया है, सोने दिया है। कल रात सोने दिया है, दिन में नहीं सोने दिया, रात में सोने दिया। बस जब उसको भूख लगती थी तभी उठता। देख सकते हैं बाबू का क्या हो रहा है। बाबू घूम रहा है मजे में, पापा को लग रहा है और कोई काम नहीं है, बस यही काम है, इसको घुमाते रहो। जैसे ही इसको यहाँ से उठाएंगे बस रोना स्टार्ट कर देगा। घूमो। एक चीज राहत भरी खबर है कि अब गोदी का जो आदत है लग रहा है थोड़ा कम हो जाएगा इसमें घूमते घूमते, वरना गोद में ही घूमता रहता था। और इसमें जो लेट रहा है इसका गर्दन सीधा है, नहीं तो हमेशा इसे पीछे घूमते रहता है। पापा को ड्यूटी को लगा दिया, डांस कर रहा है। तो अपनी ड्यूटी चल रही है जी, इंतजार कर रहे हैं कभी ड्यूटी खत्म होगा। बाकी उधर दिया जो फल काट रही है, जल्दी से फल काटा जाए, भूख लग गई है बहुत तेज। नाश्ता करके सीधा जाएंगे नहाने के लिए, फिर दिया की ड्यूटी शुरू होगी। तो जल्दी से ड्यूटी को संभालो, बहुत देर से हम संभाले हुए ड्यूटी। बिल्कुल चले जा, आ जा, चले जा, आ जा, कुछ ऐसा ही इसका लाइफ है। अभी घूमने में मजा आ रहा है इसको। हमारा तो हो गया जी नाश्ता, जिया का भी हो गया नाश्ता। अब बारी है बाबू के मसाज की, तो बाबू का होने वाला है मसाज। तो बाबू का यहाँ पर मसाज होने जा रहा है, जल्दी से इसके कपड़े उतारे जाए और बाबू का अच्छे से मसाज किया जाए। मसाज के लिए तैयार है बाबू, बस पेट में ये नहीं करवाता अच्छे से मसाज, पीठ हाथ, पीठ हाथ सब जगह, बस खाली पेट और छाती में मसाज। आप कितना भी करते रहिए एकदम खुशी से करवाएगा, बस पेट नहीं छूने देगा, गुलगुलिया हो जाती है पेट में, गुलगुली होती है, गुदगुदी आती है। तो कोई नहीं, अभी इसका जल्दी से मसाज हो जाएगा, उसके बाद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कोई नहीं ऊपर नहीं करेगा, कोई बस पैर में करेगा बस मसाज। जल्दी से इसका मसाज कर दिया जाए, उसके बाद इसका होगा स्नान, स्नान करने के बाद होगा चल जाएगा दादी के पास। भोजन करने के बाद चल जाएगा दादी के पास, वहाँ जा करके आराम से खेलेगा फिर सोएगा जी। बाबू का तो हो गया मालिश। बाबू का जब मालिश हो रहा होता है उसे लगातार बात करते रहते हैं, तब ज्यादा नहीं रोता है वो। रोएगा तो जरूर, क्योंकि जैसे ही मालिश की बारी आती है छाती पर और पेट पर तो रोना स्टार्ट कर देता है, लेकिन बाकी जो बॉडी पार्ट है उसमें नहीं रोता है, एकदम बात करते रहना है प्रॉपर उसके साथ। हो गया जी हमारा नहाना, उसके बाद जब मम्मी ने खाना भी वहाँ लगा दिया है तो सीधा चल करके खाते हैं जी। पेट पूजा तो हो गई, अभी समय है थोड़ा सा सोने का, तो जा करके 1 घंटा का नींद ले लेते हैं। बाबू भी सो रहा है तो हमें भी मौका है सोने का, तो सो जाते हैं। सोकर उठ गए जी थोड़ी देर की
नींद थी मुश्किल से 40 मिनट की। बाबू भी थोड़ा उठते रहा बीच में, तो उसे भी जो थोड़ा सा नींद तो डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं जी, नींद का कोटा जो मेरा पूरा होना था वो पूरा हो गया। इससे ज़्यादा सोते भी नहीं अंदर। और फिर देख रहे हैं बारिश होना शुरू हो गया है बाहर, मौसम ठंडा हो गया इसकी वजह से। अच्छा है थोड़ी देर ऐसे ही बारिश चली, मौसम साफ रहेगा। यहाँ बाबू भी कुछ देर पहले सो करके उठा था, अपना भोजन पानी कर लिया, फिर सो गया है। और जब बाबू जो गहरा नींद में सो जाएगा फिर इसको बेड पर लेटाया जाएगा, उतना जैसे ही तुरंत अभी इसको बेड पर डाला जाएगा रोना स्टार्ट कर देता है, चल जाएगा और रोएगा भी वो। गिफ्ट की अनबॉक्सिंग देख सकते हैं, एक बड़ा जैसा गिफ्ट जो है यहाँ पर है, इसको हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था। और यहाँ जो है आया था कब, कल आ गया था नहीं, हाँ। कल ही आ गया था, तो सोच रहे थे कल ही अनबॉक्सिंग कर दे, लेकिन सोचा कि नहीं गिफ्ट का जो एक अलग से वीडियो बनाते हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं इसके अंदर है क्या। हम भी बहुत एक्साइटेड है। वैसे ये जो गिफ्ट है ये सिर्फ जो पापा दिए हैं बाबू को वो गिफ्ट है, और सारे लोग जो गिफ्ट दिए हैं उसकी अनबॉक्सिंग अभी नहीं की है, उसकी एक स्पेशल, उसका एक अलग से वीडियो डालना है जब पूरा जब हो जाएगा बनेगा। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं जल्दी से इसको खोलते हैं, मुझे भी अब जो है ज्यादा पेशेंस है नहीं, क्योंकि जब हमने फोटो देखा था तो बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा लगा था। अब देखिए रियल लाइफ में कैसा है, आप लोग भी देखिए कैसा। मम्मी जब जा रही थी मम्मी बोल रही थी हम वेट देख लेते तब जाते कैसा आएगा, लेकिन उस टाइम तक आया ही नहीं। कोई बात नहीं, मम्मी वीडियो के जरिए देख ले। पापा जो भी बोल रहे हैं बाबू चुपचाप से पापा का ध्यान देख रहा है। हमने मंगवाया है जी यह एक बेड, प्यारा सा बेड जो आप देख सकते हैं। अब ऐसा करते हैं इसको पूरा हम लगा देते हैं, तब आपको शायद अच्छे से समझ में आए और हमें भी अच्छे से समझ में आए, बाबू को भी अच्छे से समझ में आए, ये सोएगा तो बाबू मेरा उस पे। हमने मंगवाया हुआ है जी यहाँ बेड, अब आपको अच्छे से समझा देते हैं क्या क्या हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो। जब हमने खोला था तो हमें भी कंफ्यूजन लग रहा था कि आखिर आप क्या क्या किया है। तो इसमें जो है तीन चीज दिया हुआ है, एक दिया हुआ है यहाँ बेड देख सकते हैं, और इसमें दिया हुआ है गद्दा जिसके ऊपर हमारा बाबू सो सकता है, और एक दिया हुआ है यह मॉस्किटो नेट जो कि एकदम पूरा राजशाही जैसा फीलिंग देता है, देख सकते हैं। इसको यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ जो छेद है इसमें लगा देंगे, फिर से टाइट हो नहीं रहा, इसको हम देखेंगे कैसे टाइट किया जाएगा। और फिर इसको जो है मॉस्किटो नेट को आप अच्छे से फैला लीजिए, देख सकते हैं बच्चा जो है अपना मच्छर से बचा रहेगा। तो एक चीज तो हुआ यार, अब उसके बाद दिखाते हैं दूसरा चीज। इसमें साथ में दिया हुआ है एक गद्दा यार, जो कि मुझे लगता है कि गर्मी के मौसम में तो काम नहीं आएगा या ठंड के मौसम में काफी काम आएगा। इसको लगा दीजिए, नीचे से इसको हटाना होगा शायद, और यहाँ पर बच्चे को लेटा दीजिए, लेटा कर इसको इस तरह से लगा कर चैन को लगा सकते हैं, उसका जो जीप कहिए या चैन कहिए जो भी कहिए, और यहाँ बाबू आराम से इसमें सो जाएगा। इसमें भी आराम से इसको रख करके अलग से बेड पर भी रख सकते हैं, और इसके ऊपर भी सो सकता है, मॉस्किटो नेट भी है, तो बाबू का जो है मच्छर से भी प्रोटेक्शन, और इसका जो है अलग से एक अपना बेड भी हो गया, राजशाही जैसा फीलिंग है। बाबू तो बता नहीं सकेगा कैसा है, आपको बताओ कैसा लगा है। हमको ये कलर बहुत अच्छा लगा था, कलर आपको तो ब्लू बहुत पसंद है, बिल्कुल ब्लू पसंद है, और ब्लू में ऊपर से यहाँ व्हाइट है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है हमको और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यह था जी हमारा पहला गिफ्ट, अब आपको दिखाते हैं अगला गिफ्ट। तो अगला जो गिफ्ट है वो हम गए थे एक ज्वेलरी शॉप, वहाँ जा करके हमने लिया था, और चाह रहे थे कि उसके साथ साथ जो है कुछ और भी ले लेते, लेकिन वहाँ पर हमें वह पसंद आया नहीं। तो अब ऐसा करते हैं ज्यादा बातें नहीं बनाते, सीधा आपको दिखाते हैं कि आखिर वह क्या है। जिया लेकर के आ गई है जी दूसरा गिफ्ट, जो कि बहुत ही प्यारा लगा था, स्पेशली जिया को बहुत ही ज्यादा, बाबू लगता है रो रहा है, इसको थोड़ा सा शांत कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अब लगता है शांत हो जाएगा। बाबू को कोशिश करते हैं यहाँ पर लेटाने की, उम्मीद करते हैं शांत रहेगा यहाँ और खेलेगा। तो बाबू यहाँ पर लेट चुका है, मजा आ रहा है बाबू, मजा आ रहा है। तो बाबू यहाँ पर लेटा हुआ है और बाबू का गिफ्ट लेते आई है जी,
जो कि मुझे और जिया दोनों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। और जिया ने स्पेशली इसका डिमांड किया हुआ था। जिया मुझे जो है ठग करके ले गई थी ज्वेलरी के दुकान में। मुझे मालूम नहीं था कि जिया का ये सब प्लान है। तो अभी आपको दिखाते हैं जिया ने क्या मंगवाया है। बाबू रोना चाहे, रो क्यों रहा है? एक बार इसको शांत करना होगा। तो बाबू को ले लिया गया गोद में। जिया के पास आकर के बाबू जो है थोड़ा शांत हो चुका है। तो अब आपको जल्दी से दिखा देते हैं, इससे पहले कि बाबू का फिर से रोना स्टार्ट हो जाए। इसको खोलते हैं, देख सकते हैं इसके अंदर है हमारे प्यारे से भगवान कान्हा जी। इसको आपको नजदीक ला करके मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको जो है थोड़ा सा क्लियर आ रहा होगा। तो ये हमारे हैं प्यारे से कान्हा जी का लॉकेट, तो जो हमने अपने बाबू के लिए लिया था। आप में से बहुत लोग जानते होंगे हम लोग कान्हा जी के बहुत बड़े फैन हैं, लड्डू गोपाल के बहुत बड़े, हम लोग बहुत मानते हैं, बहुत हम लोग लड्डू गोपाल को मानते हैं। यह लिया है हमने, और इसके साथ हम लोग एक चेन भी ले रहे थे। लेकिन चेन को लेकर के जो है कुछ कुछ समस्या आ रही थी। समस्या ये आ रही थी कि डिजाइन नहीं मिल रहा था हमें ढंग, और कुछ कुछ जो अच्छा डिजाइन था वो बहुत बड़ा था, जो कि बाबू को बिल्कुल भी फिट नहीं आता, वो हमें आ जाता फिट। तो जिया को हम कह रहे थे हम ही ले लेते हैं, क्या कहते नहीं नहीं आपको नहीं लेना, आपको पहले दे सकते। और कहना इनका ये था कि अगर तुम लोग ही तो पे भी तुम करो, ये डिमांड था। और ये हम ले रहे थे बाबू के लिए, और ये कह रहे थे अगर नहीं बाबू के लिए मिल रहा है तो मेरे लिए ही ले लो। हम बोले नहीं लेंगे। एक तो आप आने नहीं देते हो ज्वेलरी शॉप, अगर इतने मुश्किल से लाए हैं भी। तो जी बाबू का चेन बिल्कुल लेना है इसके लिए हमें, लेकिन वह हम लेंगे जब हमको एक बड़ा सा फंक्शन करेंगे, उस समय सोच रखा है हमने कि उस समय चेन लेंगे इसका। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को यह कान्हा जी का लॉकेट कैसा लगा। हमने एक हनुमानी भी सोच रखा था, लेकिन हनुमानी जो है बहुत सारे रिलेटिव के जरिए पहले ही हमें मिल चुका है बाबू के लिए। तो हमने सोचा कि हम कुछ डिफरेंट ले लेते हैं, कुछ अलग ले लेते हैं। सोच के भी कुछ ऐसा ही कहते कि लेंगे, और वो दिखा भी दिया सेम ऐसा है। बिल्कुल, तो पहला ही पीस था और हमें वो पसंद आ गया था जैसे ही दिखाया था। तो यहाँ मम्मी भी आ गई है, मम्मी का भी रिएक्शन देखते हैं। मम्मी को भी पता नहीं कि क्या क्या गिफ्ट हमने मंगवाया था, तो देखिए करके दिखाते हैं सब। तो सबसे पहले जो दीदी गिफ्ट था वो यहाँ था, देख रही है राजा है ना, जोधा अकबर का जो सीरियल है ना, उसमें जोधा भाई और अकबर सब का दिखाता था। ऐसा ही तकिया, ऐसा ही मच्छर, उसी टाइप का लगा। बिल्कुल, एक तो ये दिया हुआ है, ठीक, साथ में ये दिया हुआ है, इसमें जीप लगा हुआ है, इसके अंदर बच्चा को सुला दूं और लगा दूं जीप ठंड के लिए, लेकिन तब तक ये बड़ा हो जाएगा, इस वजह से फेंक के उधर कर देगा। तो एक तो ये गिफ्ट मंगाई थी, अभी तुम देखने के लिए खरीद लिया, दिखाने के लिए। मेरा बेटा इसमें सोएगा, तुम्हारा बेटा इसमें एक दिन नहीं सोएगा, लात से मार किसको फेंक दो। अच्छा, इसके अलावा एक और गिफ्ट लिए थे इसके लिए। भी बहुत अच्छा। दादी देखो क्या बोल रही है, किसी चीज का स्थिर सराहना नहीं देता है, बहुत बदमाश है। हाँ जी, तो आप दिखाते हैं एक और गिफ्ट। एक गिफ्ट है ये बगल में, खोलो इसको। बाबू का है, बाबू का है, बाबू को पसंद नहीं आया। ये देखो लॉकेट है, बाबू का लॉकेट है, शिव जी है, कान्हा जी है। बहुत अच्छी बात है, कैसा लगा? बहुत सुंदर, जब स्वयं कान्हा है तो इसमें कहने की क्या बात है। इनके सुंदरता, इनके गुण और इनके आचरण का बखान तो क्या ही नहीं जा सकता। ये जो संसार के पालक है, उनके पैर के नीचे हम लोग, हाथ के आशीर्वाद के नीचे हम क्या संज्ञा दे मेरे समझ में। गाय कुमार अब ये सोच रहा है गिफ्ट उफ्ट को जल्दी साइड रखो दादी, हमको गोदी लो और चलो जेल से मुक्ति करो। जैसे ये शाम का समय होता है, मशीन चाहता है कि तुरंत दादी हमको लेकर जाए। मेरा पोता मेरे साथ चला जाता है, मेरा राजा भैया, मेरा झुनमुन लड़का अब जाता है। अब यहाँ से हमारा बेटा कोई मतलब नहीं है, अब अपने दादा दादी घर में जाता है। सुबह होता है कि सोचता है कब से कब मेरा जेल से मुक्ति हो, और शाम होता है कि भाग जाता है। तो यहाँ था जी हमारी तरफ से बाबू के लिए एक छोटा सा गिफ्ट और प्यारा सा गिफ्ट। और आप में से बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि जिया के घर से क्या गिफ्ट आया, आपके घर से क्या गिफ्ट आया। तो उसका वीडियो जो है जी, जैसा कि जिया ने कुछ देर पहले बताया, एक उसके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो लाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। बाकी आज आप बताइए के बारे में बताइए जी, आज का गिफ्ट कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो अब ऐसा करते हैं, जिस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको। और हां जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, आपके एक शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय बाय।